हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी करनाल, फरीदाबाद और 18 शहरों के कायाकल्प और शहरी परिवर्तन हरियाणा की विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उनके साथ शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन, उद्योग और वाणिज्य मंत्री विपुल गोयल, शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर और मुख्य सचिव DS ढेसी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर भी मौजूद रहे। बैठक के बाद कविता जैन ने पत्रकारों को संबोधित किया। कविता जैन ने बताया कि हरियाणा में शहरी क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें स्मार्ट सिटी करनाल, फरीदाबाद और 18 शहरों के कायाकल्प और शहरी परिवर्तन परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इसके साथ साथ 4.5 साल के दौरान हुई मुख्यमंत्री की घोषणाओं की भी समीक्षा की गई और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट्स की भी समीक्षा इस बैठक के दौरान की गई है। ना केवल केंद्र सरकार बल्कि हरियाणा सरकार का ये मेन प्रोजेक्ट है कि गांव के साथ साथ शहरों का भी जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से कैसे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे स्ट्रेंथन हो और स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़े। और इसी सिलसिले के अंदर आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में हमारे जो अमृत प्रोजेक्ट के तहत जो सीवरेज ड्रेनेज के जो 18 शहरों के काम हैं उनका रिव्यू किया गया और उसके साथ साथ में जो हमारे सीएम अनाउंसमेंट, क्योंकि जो मैक्सिमम सीएम अनाउंसमेंट हुए हैं इन 4-4.5 सालों के दौरान वो अर्बन लोकल बॉडी के तहत हुए हैं, उन सब का रिव्यू किया जाएगा। बिल्कुल, इसमें अमृत योजना के अंदर हमारी 18 सिटीज़ हैं जिसके अंदर तकरीबन 2800 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट इसके अंदर शामिल हैं। और हम क्योंकि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है 2 साल पहले तकरीबन शुरू हुआ और आज हमारे जितने भी इसके अंदर प्रोजेक्ट आते हैं 7 टेंडर छोड़कर बाकी सारे टेंडर हमारे इनिशिएट हो रहे हैं, सभी पर वर्क काम चल रहा है और बाकी के जो 7 टेंडर हैं मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में वो भी हो जाएंगे।